वीर्यपात जल्दी होने के 18 कारण और उस पर उपाय, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। जल्दी वीर्यपात होना या प्री मैच रिजैकुलेशन या अर्ली डिस्चार्ज होना या बेड में नहीं टिकना या स्टेमिना नहीं टिकना या सेक्स पावर कम होना, ऐसे अलग अलग उसको नाम दिए जाते हैं। इसके अनेक शारीरिक कारण है, मानसिक कारण है और वो मैं भी आपको बताऊंगा और उसका इलाज भी बताऊंगा। नंबर एक, यदि सेक्स का अनुभव बहुत जल्दी आया हो उम्र में तो उसमें जल्दी वीर्यपात हो सकता है, जल्दी सेक्स का अनुभव आना, नंबर एक। नंबर दो, बचपन में लैंगिक अत्याचार होना, उसकी वजह से हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज। नंबर तीन, मलिन स्व प्रतिमा, सेल्फ इमेज जो है अपनी वो बहुत पुअर है। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं दिखने में बराबर नहीं हूँ, ऐसी पुअर सेल्फ इमेज रहे तो प्रॉब्लम आता है, मलिन स्व प्रतिमा बोलते हैं। नंबर चार, डिप्रेशन, यदि आपको निराशा है, डिप्रेशन है तो उससे प्रॉब्लम आ सकता है, डिप्रेशन की वजह से जल्दी गिर जाता है। नंबर पाँच, जल्दी गिरने की चिंता यदि है, गिर जाएगा, जल्दी गिरेगा क्या, जल्दी ऐसा मन में बहुत चिंता है, जल्दी गिरेगा क्या हो क्या नहीं हो, तो जल्दी गिर जाएगा। नंबर छः, अपराध बोध की भावना होना, गिल्ट फीलिंग, कि मैं दोषी हूँ, मैं बराबर ये काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक नहीं कर रहा हूँ, तो अपराध बोध की भावना और उसमें फिर जल्दी गिर जाता है। नंबर सात, इरेक्शन का जिसको प्रॉब्लम है, जिसको इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है तो फिर उसमें जल्दी गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। काफ़ी लोग आते हैं हमारे तरफ के, बोलते हैं इरेक्शन भी नहीं होता और जल्दी भी गिरता है। नंबर आठ, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, मतलब मैं परफॉर्म कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, और होगा तो जल्दी डाउन हो जाएगा, जल्दी कड़कपना निकल जाएगा, वो चिंता से भी जल्दी निकाल दो, फेंक दो, ऐसे इम्पल्सिव जाते हो, जल्दी फेंका जाता है, तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। नंबर नौ, रिश्ते में दूरी, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, मेल फीमेल, रिश्ते में दूरी है, झगड़ा झंझट है, पट्टा नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आता है। नंबर 10, समय की कमी, बहुत समय कम है, जल्दी करना है, जल्दी जल्दी में फट से कहीं तो भी टाइम मिला हुआ है और जल्दी करना है तो क्या होता है, फिर हैबिट लग जाती है जल्दी करने की और जल्दी फेंकने की, जल्दी डिस्चार्ज करने की। 11वां, यदि कोई आएगा या बच्चे उठेंगे, रात को एक ही कमरे में सोए, बच्चे भी बड़े बड़े हैं, या कोई लड़का लड़की है, कोई आने वाले घर में या कमरे में एकांत मिला है थोड़ी देर के लिए, कोई आ जाएगा फट से, और कोई आने का डर है, कभी भी कोई भी आ सकता है, तो उसमें जल्दी पानी फेंका जाता है, तो कोई आएगा ये डर है। 12, सामने का पोर्शन जो रहता है, हेड, ग्लांस पेनी जिसको बोलते हैं, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है और उसके वजह से वो प्रॉब्लम आ सकता है, सो ज़्यादा सेंसिटिव हेड पोर्शन जो है वो उसकी वजह से हो सकता है। 12, ज़्यादा संवेदनशील हेड है। नंबर 13, यदि बॉडी की हार्मोनल लेवल अनियमित है तो जल्दी प्री मैच रिजैकुलेशन हो सकता है। नंबर 14, ब्रेन केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन सेरोटोनिन लेवल्स, वो यदि अनियमित है तो उससे भी हो सकता है। 15, प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरस्त ग्रंथि या पेशाब की जो नली है उसमें यदि सूजन आई है, इन्फेक्शन है, तो जल्दी वीर्यपात हो जाता है। फिर 16, संभोग के बीच में यदि ज़्यादा गैप हुआ है, दो संभोग है उसके बीच में गैप हुआ है, कपल है यंग, गैप हुआ 8-15 दिन का, बाद में मिल रहे, या शादी होने के समय समय में कभी कभी मिल लेते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, 15 दिन में, 1 महीने में कभी चांस आता है, तो जल्दी गिर जाता है क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। 17, नया पार्टनर है तो नए पार्टनर के साथ में जल्दी गिर जाता है, उत्सुकता बहुत रहती है, ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है तो उसमें जल्दी गिर जाता है। 18, यदि बहुत ज़्यादा हाइपोमैनिक है, मतलब हाइपोमैनिया हुआ है, या जैसा बोलते हैं उन्माद है, हर्षवायु है, मतलब मैनिक कंडीशन है, तो उसमें भी जल्दी गिर सकता है। ये 18 कारण है मोटे मोटे तौर पर कि जिसमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन, मतलब जल्दी वीर्यपात होना हो सकता है। आप देखो आपका नंबर कौन सी इसमें आता है। अभी इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है एक तो दवाइयाँ, SSRIs, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स, फिर PDE5, वो दवाई है, PDE5 इनहिबिटर्स, वो दवाई काम में आ सकती है, लोकल स्प्रेस, ऑइंटमेंट्स, ठीक कंडोम्स या एनिस्थेटाइज कंडोम्स, फिर मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक, स्टार्ट स्टॉप स्क्विज टेक्निक, नेक्स्ट कीगल्स एक्सरसाइज, नेक्स्ट
हस्बैंड वाइफ दोनों ने बहुत ज्यादा फोर प्ले करके एक लेवल पे ही रहना है एक्साइटमेंट के, तो प्रॉब्लम निकल सकता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो मास्टरबेशन पहले कर लेना, जिससे कि टाइम बढ़ा सकते हैं फिर सेकंड इसमें। तो ऐसे अलग अलग उसके ट्रीटमेंट है, तो वो ट्रीटमेंट यदि आप लेते हैं, मेरा ये ट्रीटमेंट का और अन्य वीडियोस में मैंने बनाए हुए कि जिसमें ट्रीटमेंट दी हुई है प्री मैच इजैकुलेशन की डिटेल में। वैसे हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते रहते हैं, और वो कोर्सेज में भी आप भाग ले सकते हैं। और करीब करीब हमारा बुधवार को रात को 9:30 बजे और संडे को रात को 9:30 बजे हमारे सेक्स के बारे में ये वेबिनार्स होते रहते हैं, अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आती रहती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, और हमारा जो ऐप है वो आप ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।